दोस्तों, कल की यात्रा के बाद हम आज उठे हैं लेट और आज हम कर रहे हैं शॉपिंग शॉल की। और देखिए, मैंने भी दो पसंद करे हैं, दो पसंद करे हैं, 5000 रुपए पूरे करेंगे, 4 पसंद कर रहे हैं सही तरीके से, क्या कर रहे तो सब ने ले लिए हैं शॉल, एक एक दो दो। तुमने पहले बोला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और डेट हो गई है 14। कल हमारे दर्शन अच्छे हो गए हैं और अभी हम उठ के यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और देखते हैं। पहलगांव की भी बात चल रही है, पहलगांव जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, ऐसे प्रायोरिटी पहलगांव का है, उसके बाद देखते कहाँ जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं भंडारे में कुछ नाश्ता वास्ता करने, अगर मिल जाए। देखिए दोस्तों, आ गया है अपना पोहा, चाय, सुबह का नाश्ता, ये देखो सब कर रहे हैं, अभी हम भी करेंगे। और हमारे आते के साथ ही नाश्ता यहाँ से उठ गया है। तो दोस्तों, फाइनली आ गए हैं हम यहाँ पे अपनी पार्किंग में और अब हमें यहाँ पर, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे पहलगांव के लिए या श्रीनगर के लिए, देखते कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल रहा। एक बार बैग पकड़ो, बार बार बर्फानी की गुफा पर पता नहीं कब दोबारा आना होगा, जब बुलाएंगे तभी आना होगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, देखो धूप देखो काफ़ी अच्छी है, बादल नहीं है, मौसम क्लियर है एकदम, कोले भाई कोले, मौसम क्लियर है एकदम। तो दोस्तों, फाइनली हम बालटाल की पार्किंग से निकल चुके हैं, अभी देखते हैं कहाँ जाके रुकेंगे। अभी हमारा डिसाइडेड ये हो रहा है कि अभी हम पहलगांव जाके रुके, बट कुछ कह रहे हैं कि श्रीनगर भी चलें, तो श्रीनगर भी जा सकते हैं, अभी देखते हैं कहाँ जाके रुके। हाँ, जो पिंक कलर करी थे वहाँ उसमें। तो दोस्तों, ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये लेह लद्दाख के लिए जा रहा है और हमें यहाँ से निकल के लेफ्ट ही हो जाना है, जो कि सामने वो नजर आ रहा है उस वाले रास्ते से, ठीक है। तो अभी हम कारगिल या लेह लद्दाख का प्लान हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी वो प्लान बनेगा। दोस्तों, बालटाल से थोड़ा दूर निकल के ये सोनमर्ग पड़ता है, सोनमर्ग से ऊपर यहाँ से हम स्नो पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे सारे पूरा बर्फ से भरा रहता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे व्यू आते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट है। तो अभी तो इतनी स्नो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगले पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ये घोड़े से लेके आते हैं, खच्चर घोड़े से लेके आते हैं, वहाँ पे स्नो पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, और ये सब पहाड़ है, ये सारे ये सब सोनमर्ग के हैं यहाँ पे, ठीक है, पीछे तक। और नदी बहुत ही प्यारी नदी है, सतलुज नदी, बहुत तेज बहाव है इसका। तो दोस्तों देखो, अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं, तो वहाँ तो श्रीनगर की डिस्टेंस अभी 78 किलोमीटर की रहती है अभी हमारी, और उसके बाद हम दिल्ली लिख लेंगे या पहलगांव लिख लेंगे, देखेंगे, और डिपेंड करता है। अभी श्रीनगर जाने के लिए करीबन करीबन 2 घंटे लग जाएंगे अभी हमें, बाकी अभी लोकेशन के मज़े ले रहे हैं, व्यू के मज़े ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हवा भी बहुत तेज है। तो दोस्तों, देख सकते हो अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे सतलुज नदी के किनारे, और ये जगह जो है ये सोनमर्ग के पास आती है, और सोनमर्ग इतना ही जितना सुंदर है इतना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते दोस्तों, क्या ही बताएं, एक्सप्लेन करना उसको नामुमकिन है। ये इतने प्यारे प्यारे व्यू है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बड़े बड़े पहाड़,
ये गाड़ी देखो हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारे बंदे हैं, ये भी शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। तो आप आइए एंजॉय कीजिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारे व्यू है। कैसा लग रहा है? श्रीनगर में आ गए हैं हम डल लेक के पास, और अभी हम यहाँ पे होटल या फिर हाउस बोट देखेंगे और यहाँ पर उसमें एक दिन का स्टे करेंगे। दोस्तों हमने कर लिया हाउस बोट जो कि है वहाँ पर, और अभी हम हैं छोटी बोट पे जो कि ये बंदा चला रहा है। ये डर तो बहुत लगता है क्योंकि बहुत ही लेवल बराबर में बोट के, तो ठीक है, सेफ्टी का कुछ नहीं है इसमें। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं होता, 15-20 फीट होता है यहाँ पे। उस साइड पे, यहाँ से उस साइड पे, परली साइड पे जो झील है वो पूरा गहरा होता है, बहुत ही गहरा होता है, तो वहाँ का कोई ऐसा वो नहीं है। तो हमारा वो बोट आ गया है, हाउस बोट यहाँ पर है। तो सामने देख सकते हैं ये है कमल के फूल जो कि खिला हुआ भी है इसमें। ये देखो कमल के फूल खिले हुए। तो भैया हमारी हाउस बोट का नाम क्या है? तो ये आ गई है अपनी हाउस बोट टॉप एरिन के नाम से, यहाँ पर हम स्टे करेंगे। ये देखो छोटा बगीचा हाउस बोट का, यहाँ पे बस देख सकते हैं, घूम नहीं सकते। बढ़िया जी बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने बोट पे, हाउस बोट, और अंदर दिखाते हैं कैसा है ये। यहाँ पे छोटी सी किचन एंट्री, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रूम। टेंट चला रखा, अभी बहुत गर्मी है, शाम को कहते ठंड पड़ जाती है। इसका भी बाथरूम, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है। ये आता है इसका सेकेंड रूम जो कि बड़ा साइज है इसका, ये वाला साइज मेरे को बहुत बड़ा लगा इसका। और इसका बाथरूम भी देखो बहुत बड़ा है। और ये है इसका थर्ड रूम। तो दोस्तों अभी सब लोग नहा लिए हैं और हमारा आ गया ब्रेकफास्ट जो कि है ये रहा, समोसे पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। तो दोस्तों हमने ले ली थी बोट, और बोट में आके हम नहा लिए हैं, अभी हम करेंगे नाश्ता। बोट थी 6000 रुपये की, 6000 बार्गेनिंग करके, बाकी 15000 की थी, बार्गेनिंग बहुत करते हैं हम। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट सॉरी, अभी हमारा क्या है, ब्रेकफास्ट इवनिंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं, अभी हमारा इवनिंग स्नैक्स आ गया है। और बाकी आगे चलते हैं, आगे घूमेंगे अभी डल झील में, और इसके साथ एक राइड फ्री है जो 1000 रुपये की होती है, और देखते हैं राइड दिखाते हैं। ये देखो ये जा रहे बंदे, ये राइड्स होती है बोट में। तो दोस्तों ये है CRPF की बोट जो कि यहीं घूमती रहती है और करती रहती है चेकिंग, और अभी हम जाएंगे, इसको बोलते हैं बेसिकली शिकारा। और बाकी यहाँ पे जो सब घूम रही है, ये छोटी जो बोट है, ये छोटी बोट कहलाती है, ये शिकारा कहलाती है। दोस्तों शाम के बज गए हैं 6, और अभी हम जाएंगे शिकारा में घूमने, ये इसको बोलते हैं शिकारा। तो दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं राइड के लिए,
जो कि करीबन करीबन एक घंटे की घुमाएगा। हमने करी छोटी राइड ताकि उसमें ओपनली रहे, वो थोड़ी कवर होती है, वो अच्छी नहीं लगती। और अभी मौसम भी थोड़ा गर्म है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे भी यहाँ पे दिन निकला हुआ है और बंदे हैं यहाँ पे। लग रहा था कि यहाँ पे क्राउड नहीं है, लेकिन क्राउड है अभी। और हमारा ये हाउस बोट है, हाउस बोट काफ़ी अच्छा है, रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम नहा धो लिए हैं, बस अभी निकलते हैं राइड पे, चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अपना ये बोट है और हमने कर लिए छोटी बोट आगे घूमने के लिए। यहाँ और भी बंदे हैं देख सकते हो, मजे ही मजा आ रहे हैं जी, फुल मजे ले रहे हैं। डर भी लग रहा है, मजे भी आ रहे हैं। बहुत हिलती है बोट, दूसरी वाली करते हैं, अभी हम बड़ी बोट करेंगे। अभी हम बड़ी बोट करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसमें डर लग रहा है हमें। तो दोस्तों देख सकते हैं हम शिकार वाली राइड पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारी जो बुकिंग है 6 पॉइंट की बुकिंग है, और अभी देखते हैं कहाँ कहाँ घुमाता है हमें। बिल्कुल, अभी कोई हमें भी पता नहीं है ना, भैया पहले आ चुके हैं, भैया एक्सपीरियंस रह चुके हैं, लेकिन मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं। देखते कहाँ घुमाते हैं, भैया घूम चुके पहले, अब दो कपल घूम रहे ऐसा कुछ भी नहीं हम दोनों भाई है। और ये देखो यहाँ पे हुक्का भी पी सकते हैं बंदे, हुक्का लेके आए हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं पीते। हम हुक्का सर्विस बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी थे इसी एयरपोर्ट पे। हाँ भाई, सब गिफ्ट आइटम सब डल के लिए के लिए। ये देखो खुल, यहाँ डल झील में मार्केट चलती है, यहाँ पे मार्केटिंग पूरी है। यहाँ पे फ्रूट मिल जाएगा, हुक्का मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगी। ये देखो तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये डल लेक पे, ये यहाँ पे रेजिडेंस है लोगों की, लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे करीबन आबादी 50,000 के आसपास है। और ये जो इनके पास जो बोट है, घर है यहाँ पे, ये अपनी अपनी बोट लेके इधर से उस साइड में ट्रैवल करते हैं दूसरी साइड पे बाहर। और इनके पास एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बोट है इनके पास, जो ट्रैवल कर सके हर एक बंदा इस साइड से उस साइड। अच्छा बैकिंग मोड हो गया, ये देखो भाई ये बहुत स्पीड में चला रहे हैं बोट। दोस्तों हमारी हो गई है राइड को करीबन 15 से 20 मिनट। तो दोस्तों ये है मिशन कश्मीर पॉइंट, यहाँ पे ऋतिक रोशन की शूटिंग हुई थी मूवी की, मिशन कश्मीर की। तो अभी और भी पॉइंट कवर करेंगे हमारे, वो राइड पे देने के लिए ना वोट। तो दोस्तों ये है प्राइवेट गार्डन, देख सकते हो ये है प्राइवेट गार्डन यहाँ पे। तो हाउस बोट वाले भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है मार्केट, अब हम आ गए मार्केट के पास। ये सारे हाउस बोट हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्राइस। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ से मार्केट चालू है, ये पूरा व्यू आप चेक कैप्चर कर लेते हैं वाइड एंगल पे। ये देखो पूरा मार्केट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से कवर है। यहीं पर इनकी मेडिकल फैसिलिटी भी है, यहीं पर इनके स्कूल भी है। और नो, यहाँ से भी बोट आ रही है, इस साइड से भी आ रही है, इससे भी आ रही है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा चौक है यहाँ पे, यहाँ पे बोट रोकने अलाउ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, बोट चल रही है, अब क्या कहाँ से लिख लेंगे, कोई जगह ही नहीं है। हो गया एक्सीडेंट, तो देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, एक्सीडेंट होने से बचा लिया हमारा। तो यहाँ पे हो गया ट्रैफिक जाम, साइड में लगा दो बोल। तो देखिए दोस्तों यहाँ बोट का एक्सीडेंट हो गया हमारी, लग गई साइड में अपने आप ही। और ये देखिए दूसरी बोट आ गई हमारी, बोट से टकराई है। वैसे ये वन वे तो होगा, ये वन वे ही होना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे वन वे सर्विस है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग फिर भी उल्टे आ जाते हैं, जैसे कि हर जगह होते हैं उल्टे दिमाग के लोग, हर जगह होते हैं। तो हर तरह की सर, हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो ऐसा नहीं है। तो ये हम शॉप पे रुक गए हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं जूस और पानी के बोतल।
जो कि भैया हमारे लिए लेके आ रहे हैं। तो रेट भी यहाँ पे साइज है, जेन्युइन रेट है। ऑन एमआरपी है? हाँ सही है, ऑन एमआरपी सब कुछ मिलता है। देखो चेक करो, 20 रुपए की बोतल मिली है हमें। लोटस फ्लावर की खेती देखो ये हो रखी है। सो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी हाउस बोट है, बहुत ही बड़ी हाउस बोट है। और हमने ले लिया है जूस अपने लिए, जो कि ऑन एमआरपी मिला है 25 रुपीस का। और एक लिए हमने पानी की बोतल, जो भी ऑन एमआरपी रेट मिला है, जो कि 20 रुपए की है। और आप देख सकते हैं कश्मीरी आर्ट गैलरी, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो आप देख सकते हैं सारा ये लोटस की खेती हो रखी है यहाँ पे। वाइड एंगल में देखो ये सारी लोटस की खेती है यहाँ पे। और ये हाउस बोट है, जो लोगों के घर भी है और ये रेंट पे भी देते हैं रहने के लिए। तो आज हम घूम रहे हैं डल झील कश्मीर में और फिशिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है फ्लोटिंग घास, तो इसमें 30% होती है जमीन और 60-70% होती है घास, जो फ्लोट करती रहती है। अगर तेज हवा होती है, आंधी होती है, तो फ्लोट होके कहीं भी पहुंच जाती है इधर से उधर डायरेक्शन में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लोटस की खेती है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं लोटस की खेती है, तो बड़े बड़े पत्ते हैं इनके। अभी फ्लावर नहीं दिख रहे दोस्तों, लेकिन बाहर मैंने आपको फ्लावर दिखाने की कोशिश करती हूँ, वहाँ था फ्लावर, यहाँ पे अभी फ्लावर नहीं है। ये देखिए, तो दोस्तों देख सकते हैं ये लगी है सब्जी यहाँ पे, लगी है देखो वेजिटेबल्स, ये जो फूल आ रहे हैं वेजिटेबल्स, घी है, खीरे हैं, ठीक है, तोरी हैं, और भी सब्जी लगती है यहाँ पे, ये बेल से सबकी। तो दोस्तों ये देखो ये लग रहे घिया यहाँ पे बड़े बड़े। दोस्तों अभी हमारी राइड हो चुकी है पूरी, अभी हम जा रहे हैं नेहरू घाट घूमने, जो कि है यहाँ पर। और हम फटाफट हमारा बोट वाला लेके जा रहा है हमें, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे गेट नंबर 15, वहाँ पे हमें उतारेंगे भैया। पहले अभी हम जाएंगे नेहरू घाट घूमने, चलो घूम के आते हैं। तो दोस्तों आगे अभी हम जाते हैं यहाँ पे, आप कश्मीरी कपड़े पहन के फोटो भी खिंचा सकते हैं, जैसे ये खींचे हुए एग्जांपल के लिए। और ये लोग ना दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है दोस्तों। दोस्तों घूम लिए हम छोटे से गार्डन में, अभी हम यहाँ पे थोड़े से फोटो क्लिक करे हैं, थोड़ा एंजॉय करा है, देख सकते हैं। तो हो गई हमारी राइड पूरी, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे 15 नंबर गेट पे। और अभी हम वहाँ से बाहर जाएंगे खाने पीने, थोड़ा बहुत डिनर करने, उसके बाद हम सोएंगे। और यहाँ से हम पूरे घूम घूम के करीबन ये सुने घूमा हमें 1.25 घंटे के आसपास। दोस्तों देख सकते हो ये रात का नज़ारा है, हाउस बोट है सारी। तो ये मार्केट है, और अभी हम वेज रेस्टोरेंट पे खाना खा गए हैं। खाने का टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, रेस्टोरेंट का नाम था दिल्ली एंड समथिंग करके कुछ नाम था, दिल्ली एंड दरबार, वो जैन वालों का था, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। दोस्तों खाना खा के अभी हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट पे, जो कि हम वहाँ पे आगे। दोस्तों इस बोट पे आए थे हम और आ गए हैं फाइनली हम अपनी हाउस बोट पे, और अभी जाएंगे रेस्ट करेंगे और कल उठ के जल्दी निकलेंगे दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों अपनी गाड़ी आ गई है, अपन सामान लोड कर रहे हैं, सामान लोड के निकलेंगे यहाँ से, और हम भी हो गए रेडी और निकलते हैं दिल्ली की साइड। और रात का जो हाउस बोट का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, और अब देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं।
वैसे तो दिल्ली ही खींचनी है डायरेक्ट, लेकिन बीच में कहीं अगर थक गए तो वहाँ रुकना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी सामान लोड करते हैं। बारिश आ गई। तो दोस्तों अभी हम रामबन पहुंचने वाले हैं, 14 किलोमीटर रह गया है, सुबह के चले हम 9 बजे के और अभी तक रामबन ही पहुंचे हैं क्योंकि लेट हो गए कार्रवाई के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने हमें 2.5 घंटे लेट कर दिया है और हमें 2.5 घंटे खड़े रखा। और अभी देखो रामबन 13 किलोमीटर रह गया है जो कि, और पूरा दिल्ली का जो रास्ता दिखा रहा है वो 12 घंटे 13 घंटे का रास्ता है। और ये देखो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, कार्रवाई हो जाएगी। सारे बंदे हैं देखो पैक, सारे बंदे पैक और वेट कर रहे हैं कि कब कहाँ कैसे पहुंचेंगे, कब कैसे पहुंचेंगे। ड्राइव कर रहे हैं बढ़िया तरीके से बच्चे का, कैसे पहुंचेंगे। और देखो जी रास्ते में मिल गया था कार्बन, सॉरी कार्रवाई सॉरी मेरे को बोलना नहीं आ रहा, समझ जाना समझदार के लिए। सारा कान भाई, कान में आई, कान में कोई ना कोई आई, कार में आई, मैंने कार में आई। तो उसने हमारे 3 घंटे खराब कर दिए दिल्ली जाते हुए। मैं खराब क्या कर दिया यार, बोले के बगैर तो आएंगे भाई वीआईपी आएंगे, बस ये लेकिन हम भी बोले पुलिस वालों ने खराब करे। चलो चलो तो दोस्तों देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी टनल बन चुकी है जम्मू कश्मीर आने के लिए और ये श्रीनगर आने के लिए। कंस्ट्रक्शन इतना है, इतनी तेजी से चल रहा है कि आने वाले 1-2 साल में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, न्यू हाईवे मिल जाएगा आपको जो कि आप 12 घंटे या 14 घंटे में आप यहाँ पे आ सकते हैं। बना के निकाल देना। दोस्तों ये देखो लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, खींच के निकाल दो। अरे रुको भाई, पता है गैप तो बनने दो। ये जो टनल है ये 9 किलोमीटर की टनल है। जो कि यहाँ की सबसे लंबी टनल है। दोस्तों आ गए हम अभी बॉम्बे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जो कि है लुधियाना में, खाते हैं खाना यहाँ पे, उसके बाद मिलते हैं दिल्ली। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बफे लगा हुआ है बॉम्बे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, जिसमें आप अनलिमिटेड खाना ले सकते हैं 180 रुपीज़ में। चलो दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं घर पे और हमारी गाड़ी चल चुकी है करीबन 2000 किलोमीटर, ये देखो। और हमारी अभी बुंडी बोले इनविजिबल। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और अब तक के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।